हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। एक्सरसाइज है हमारा 8.1। तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर वन बनाए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से बना है। अगर वो वीडियो अगर आपको देखे होंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे बनेगा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारा कहता है कि फिगर दिया हुआ है बुक में, फिगर देख लीजिए। इस प्रकार का फिगर है और हमें पता करना है ये 10t माइनस कोट आर का वैल्यू पता करना है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमें ये जो ट्रेंगल दिया हुआ है, इसका तीनों साइड पता होना चाहिए। तो इसका तो दो ही साइड पता है, एक का पता हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको बनाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, बेस का PQ है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर बताओ कि किसका वैल्यू नहीं दिया और किसका दिया हुआ। जिसका दिया उसका बैठा दो, जिसका नहीं दिया उसको निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका दिया हुआ रख दें, PQ का वैल्यू दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। आपको हम ऐसा बताएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि मतलब कि कुछ आता ही नहीं है, पूरा एक अब चीज आपको हम बताएंगे, ताकि कोई भी डाउट पूछने के लिए बचा ही ना, ठीक है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना, अगर आपको आता है तो वीडियो को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, और नहीं आता है तो हमारे साथ बने रहिए। तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर, और बोले हैं कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर पक्का याद कर लो, बहुत काम आने वाला है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू आर। अब हमें क्यू आर की जरूरत है, ये इधर प्लस में, इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे -144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 225 आ गया क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा √25 इक्वल टू क्यू आर। मतलब कि आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि क्यू आर इक्वल टू ये किसका रूट है, 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 का, तो 5 हो जाएगा ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जबकि तीनों का पता चल गया, तो जल्दी से हम रख लेते हैं 10p पी, यहाँ पर देख लो एंगल पी बोल रहा है, यहाँ पर एंगल पी, तो हम पी लेंगे, पी हमारा ये होगा, और पी के सामने वाला ये एंगल पी हो गया, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम बताए 10 का क्या हुआ, तो देखिए हम रख लिए हैं लिख करके, आपको इसको याद कर लेना है, ये नहीं कि आप पेज में लिख करके रख लो और बार बार उसको देखो, तो वो भी गलत नहीं है। बार बार देखने से आप बनाते रहो क्वेश्चन, क्वेश्चन को इतना बना दो कि फॉर्मूला खुद ही अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, तो भी गलत नहीं, वो भी सही है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर 10 थीटा बराबर पी बाई बी होता है, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम यहाँ पर करेंगे तो परपेंडिकुलर बताओ को कितना है इसमें, तो परपेंडिकुलर हमारा है 5, और बेस कितना है, बेस हमारा 12 है, ठीक है। और इसके बाद है माइनस कोट आर, आर आर एंगल ले रहा है, पिछले वीडियो में बताया था आपको अच्छे से, वो वीडियो जरूर देखना, आर यहाँ पर लिया है, ठीक ना, तो आर लिया तो आर ये वाला ये इसका पी हो जाएगा, ठीक है, और इसका बी। तो कोट थीटा का देखो, कोट थीटा किसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि बी बाई पी, बी कितना है, तो बी इसके लिए हो जाएगा 5, और पी कितना है, तो पी इसके लिए हो जाएगा 12। अब इसका आंसर बताओ, सोल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0। तो आप जरूर पूछेगा, हम उम्मीद करते हैं, हम ये सोच करके पढ़ाते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि यूं ही आप तक वीडियो बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।